हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी के बीच में एक और वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है कि आज हम जानेंगे सिबुसू का, जो कि नोकिया का राउटर है फ्रेंड्स, उसमें जो कि हम डिसकनेक्ट मोबाइल को जो कि मैक एड्रेस होता है वो कैसे लगा के जो कि कनेक्ट करें। जो कि मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि जो कि मोबाइल में जो कि नोकिया राउटर का होता है उसमें जो कि मोबाइल मैक एड्रेस कैसे लगाए और ब्लॉक कैसे करें, वो सभी जो कि वीडियो बनकर रेडी है, आप सभी जाकर देखिएगा। तो बार बार जो कि कमेंट आ रहे थे कि ब्रो चाहिए कि हमने जो कि उसमें जो कि मोबाइल कनेक्ट किए हुए है तो जो कि उसका मैक एड्रेस बहुत ही जल्दी जो कि उसका होम पेज जो कि खोल कर लगा सकते हैं अब, मगर उसमें जो कि फिर से जो कि हम एनोदर जो कि उसमें से कनेक्ट नहीं है वहाँ हमारा वाईफाई में जो कि वो मोबाइल, तो उसको जो कि हम कनेक्ट कैसे करें वो भी मैक एड्रेस डाल के। तो चलिए आज वही वीडियो है, मैं बता दूंगा कि उसमें जो कि कैसे जो कि मैक एड्रेस डालकर आप सभी जो कनेक्ट करिएगा, यही वीडियो में आप सभी जो कि जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वो पूरे प्रोसेस करने के लिए आप सभी जो कि अपना नोकिया का राउटर है उसका होम गेटवे जो कि लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है चलिए हम वीडियो में आप सभी को जो कि दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कि मैं आप सभी को जो कि बता दूं कि जो कि मैक एड्रेस होता है वो सबसे पहले जो कि हम कैसे जाने कि हमारा मोबाइल का जो कि मैक एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले जो कि आप सभी जो कि सेटिंग होता है आपका, तो वहां से आप सभी जो कि ओपन कर लीजिएगा सेटिंग को। सेटिंग को ओपन करने के बाद जो कि फर्स्ट में जो कि यहाँ पर सर्च लिखा हुआ होता है उसमें जो कि आप सभी डायरेक्ट जो कि सर्च कर लीजिएगा मैक, MSC मैक एड्रेस। जैसे ही मैक सर्च कर देंगे तो यहाँ पर जो कि हमारा ओपन जो कि हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैक हमने सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वाईफाई मैक एड्रेस और मैक एड्रेस, ये दोनों पर जो कि आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कि मैक एड्रेस मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाईफाई मैक एड्रेस पर क्लिक कर रहा हो, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्योंकि देखिए हमारा जो वाईफाई मैक एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए आप सभी ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका जो कि मैक एड्रेस है, यही मैक एड्रेस जो कि हम डालकर अपने राउटर में इस मोबाइल को जो कि डिसकनेक्ट है वो फिर से जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। और मैक एड्रेस अगर लगाए हुए है तो ये नहीं डालेंगे तो ये मोबाइल आपका जो कि जिस मोबाइल को जो कि मैक एड्रेस नहीं उस राउटर में डालेंगे तो वो मोबाइल कनेक्ट कभी नहीं होगा, सबको जो कि मैक एड्रेस हटाना पड़ेगा, बंद करना होगा तभी ये कनेक्ट होगा, नहीं तो मैक एड्रेस नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। तो यही जानेंगे कि इसे हम कैसे जो कि उसमें डालें। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यही मैक एड्रेस है फ्रेंड्स। तो यही जो कि आप सभी जो कि उसमें नोट करेंगे, वहाँ पर मैक फिल्टर होता है, वहाँ पर यही सब D8:2 जो कि 32:3 है, यही सब जो कि मैक एड्रेस वहाँ पर लिखे कर और सेव कर देंगे तब ये मोबाइल कनेक्ट होगा। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप सभी जो कि चेक करिएगा। और एक और तरीका है जो कि यहाँ पर फर्स्ट में जो कि दिखा रहा है मैक एड्रेस, तो फिर से जो कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से जो कि मैक एड्रेस हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो कि डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर IP एड्रेस है और यहाँ पर जो कि मैक एड्रेस है, यही मैक एड्रेस है, वाईफाई मैक एड्रेस फ्रेंड्स। यहाँ से जो कि आप सभी देख सकते हैं, अथवा देखने के लिए आप डायरेक्ट जो कि अपना वाईफाई होता है उसमें भी जो कि जा सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कि वाईफाई के अति है ऑप्शन, अथवा जो कि माथे से जो कि आप घिस सकते हैं। देखिए यहाँ पर वाईफाई में आ गए, वाईफाई में आने के बाद यहाँ पर जो कि टाइप टू शेयर लिखा हुआ है उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग बोल के लिखकर जो कि एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप सभी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बैक चले गए थे। देखिए यहाँ पर एडिशनल सेटिंग जो कि एक लिखा हुआ आ रहा है, तो इसी पर जो कि हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो कि हमारा मैक एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है, तो यही मैक एड्रेस है। कोई मोबाइल को जो कि मैक एड्रेस आप लेना चाहते हैं कि मैक एड्रेस हम कहाँ से ले, तो वही से जो कि वाईफाई में जाकर जो कि माथे से यहाँ पर घींच कर वाईफाई में जाएंगे तो ऐसे ही जो कि ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पर जो कि मैं बताए हुए थे कि जो कि यहाँ पर एडिशनल सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो कि मैक एड्रेस आ जाएगा, यहाँ से जो कि आप मैक एड्रेस लिख लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। तो नोट क्या करना है फ्रेंड्स, उस मोबाइल में तो हमें कनेक्ट करना होता है और हम तो दूसरे मोबाइल में जो कि अपना राउटर लॉगिन करके कनेक्ट करते हैं, तो उस मोबाइल का जो कि मैक एड्रेस आप ध्यान से जो कि लिख कर एक एक करके जो कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ वो कहाँ से करना है, तो चलिए मैं उसका जो कि होम पेज जो कि आप सभी को जो कि खोल कर रखे हुए है पहले से, तो जो मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए
फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि हमारा नोकिया राउटर जो कि होम पेज ओपन हो गए, और ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले जो कि आप सभी जो कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आप सभी को जो कि सिक्योरिटी का फ्रेंड्स एक ऑप्शन आ रहा है, इसी पर जो कि आप सभी क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको लर्न करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेकेंड नंबर में जो कि माइक फिल्टर लिखा हुआ है, इसी पर जो कि आप सभी क्लिक कर दीजिएगा। माइक फिल्टर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। अल्टरनेट इंटरफेस में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें जो कि सबसे जो कि यहाँ पर नीचे जाना है। देखिए यहाँ पर वाईफाई SSID लिखा हुआ है, आप सभी जो कि ध्यान से देखिए यही पर जो कि हमें सब कुछ करना होता है वाईफाई SSID, इसी में जो कि मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जो कि ब्लॉग कैसे करें, जो कि मैक एड्रेस कैसे लगाएं, तो आप सभी जो कि मैं छोटा सा ये वीडियो है कि जो कि हम डिस्कनेक्ट मोबाइल को मैक एड्रेस कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलाउ कर दीजिएगा मैक एड्रेस लगाने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। और जो कि यहाँ पर एक इनेबल का ऑप्शन है फ्रेंड, तो जो कि ये टिक आप सभी लगा दीजिएगा, जो कि बॉक्स होगा खाली तो वहाँ पर जो कि आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो कि कस्टम सेटिंग आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो कि आपका मोबाइल में राउटर में जितने मोबाइल कनेक्ट है तो वो शो कर देता है। अगर यही पर जो कि कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पर जो कि यहाँ पर इजी में दिखा रहा है ऐसे ही, तो ऐसे ही जो कि आप सभी माइक एड्रेस जो कि उस मोबाइल को देखिएगा और यहाँ पर जो कि आप लोग जो कि टाइप करिएगा उस माइक एड्रेस को कि आपका माइक एड्रेस है तो टाइप कर लीजिएगा। और टाइप करने के बाद जो कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है तो सेव कर देंगे तो उस मोबाइल में जो कि माइक एड्रेस सेव हो जाएगा, और उस मोबाइल में जो कि आप पासवर्ड डालेंगे अपना राउटर का तो वो चलने लगेगा। तो आप सभी ध्यान से जो कि यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन है तो यहाँ पर जो कि आप सभी अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद जो कि यहाँ पर आप टिक का निशान हटा हुआ है तो टिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो कि यहाँ पर कस्टम सेटिंग में क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में जो कि जितना डिवाइस पहले से कनेक्ट करे होंगे तो वो यहाँ पर जो कि हमारा जो कि शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर शो करने लगा, और हम अलग से जो कि मोबाइल जो कि हमारा राउटर में कनेक्ट नहीं है उसको जो कि हम फिर से नेट द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं तो माइक एड्रेस लगाए होंगे तो डायरेक्ट जो कि पासवर्ड डालेंगे तब पर जो कि वो नहीं आपका जो कि वाईफाई में कनेक्ट होगा, माइक एड्रेस फिर से डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सभी जो कि मोबाइल कनेक्ट है तो यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं है तो वहाँ पर जो कि एक ऑप्शन आ रहा है देखिए यहाँ पर इजी पति, इसी पर जो कि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि वही लिखने का जो कि आ जाएगा। तो ऐसे ही जो कि लिख दीजिएगा आपका जो कि जितना माइक एड्रेस है 98:2E5 ऐसे ही करके जो कि आपका माइक एड्रेस लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद जो कि यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ कि जो कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है तो यहाँ पर सेव कर देंगे तो वो जो कि उस मोबाइल में आप पासवर्ड डाल देंगे तो वो मोबाइल जो कि कनेक्ट हो गए हो जाएगा। तो ये सिंपल है फ्रेंड्स, आप सभी जो कि कर लीजिएगा, करने के लिए कुछ नहीं है। आप मैंने सबको जो कि यहाँ प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे करना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो कि आप पहले भी जो कि माइक एड्रेस लगाएंगे तो वहाँ पर आपका मोबाइल जो कि लगाइएगा, नहीं तो आपका जो कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा राउटर का। ये मैंने पहले ही वीडियो जो कि माइक एड्रेस कैसे लगाए बना चुका हूँ, जो कि आप सभी जो कि वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा तभी जो कि ये प्रोसेस करिएगा, नहीं तो आते होंगे तो ठीक है। तो ऐसे ही करके फ्रेंड जो कि आपका डिस्कनेक्ट मोबाइल है तो उसमें जी जो कि माइक एड्रेस लगा कर अपना राउटर का और उसमें जो कि पासवर्ड डालकर जो कि कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सभी जो कि कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ साथ हमारे चैनल पर आप सभी नए तो कृपया हमारे चैनल को चैनल संतोष पराना ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दिए गए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपसे जरूर पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और साथ साथ वीडियो को जो कि लाइक शेयर भी करिएगा, और कोई भी जो कि वाईफाई रिलेटेड आपका जो कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर जो कि जल्दी इसी चैनल से वीडियो अपलोड कर दूंगा आपका जो कि अथवा जो कि आपका कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही छोटा सा वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप देखकर कुछ ना कुछ जरूर जाने होंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।